नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपके लिए बायोलॉजी साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी की दूसरे नंबर की क्लास लेके आया हूं, जिसके अंतर्गत आज मैं आपको बताऊंगा जीवों के वैज्ञानिक नाम। इसके पहले मैं एक क्लास कंप्लीट करवा चुका हूं बायोलॉजी की, जिसके अंतर्गत मैंने जीव विज्ञान की शाखाएं वो वीडियो बनाया था। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सबसे नीचे ही नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट पर जाकर सारे वीडियो हमारे देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ऊपर आई बटन दे रखा हुआ है, सबसे ऊपर ऊपर आई बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट नीचे खुल जाएगी, आप वहां से भी हमारा इसके पहले नंबर वाला वीडियो और जितने भी वीडियो आएंगे वो आप देख सकते हैं। दोस्तों जो भी रेलवे और एसएससी, रेलवे एसएससी या फिर अन्य किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विज्ञान के अंतर्गत आपको बायोलॉजी से 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हर टॉपिक से जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूँ, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इस टॉपिक से कंफर्म है एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये दूसरा नंबर का टॉपिक है हमारा बायोलॉजी के अंतर्गत जीवों के वैज्ञानिक नाम, में सभी जीवों का आपको जो भी प्रमुख जीव है, मनुष्य, गाय, बिल्ली, आम, जो भी प्रमुख जीव है या फिर जो भी प्रमुख फल है, महत्वपूर्ण फल है, उनके वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा ध्यान से देखिएगा, अगर आप देख लेंगे तो आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो पसंद आ रहा है आपको, इस तरह के वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, जिससे कि आप हमको सपोर्ट कर सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको जो बताने वाला हूं, इस वीडियो के आखिरी में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जो कि इस वीडियो से संबंधित होगा, इसलिए आप इस पूरे वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखिए। अगर आपने उस क्वेश्चन का आंसर सही उत्तर दे दिया कमेंट बॉक्स में तो इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं सभी जीवों के वैज्ञानिक नाम, मतलब द्वि नामांकन पद्धति, हमारा दूसरे नंबर का वीडियो है द्वि नामांकन पद्धति, जिसके अंतर्गत मैं आपको सभी जीवों के वैज्ञानिक नाम क्या होते हैं वो बताने वाला हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इससे एक क्वेश्चन 1 MCQ कंफर्म किसी भी परीक्षा में आ सकता है, रेलवे, एसएससी या फिर अन्य किसी भी सरकारी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए। चलिए थोड़े से फैक्ट बता देता हूं आपको। कैरोलस लीनियस, ये कौन है? कैरोलस लीनियस, इन्होंने ही वर्गीकरण के जनक है, इन्होंने वर्गीकरण कराया जीवों का, कैरोलस लीनियस ने। देखिए कब किया है, सेकंड पॉइंट देख लीजिए, थोड़ा सा फैक्ट समझ लीजिए, फिर मैं आपको सभी जीवों के वैज्ञानिक नाम भी बताऊंगा और आखिरी में क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए सन 1753 में कैरोलस लीनियस ने द्वि नामकरण पद्धति को प्रचलित किया था, कब किया था? 1753 में। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब किया था, 1753 में किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने। आगे देखिए, इसमें पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द स्पीशीज, मतलब जाति से मिलकर बना होता है। अगर मैं यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लूं मनुष्य, देखिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या आता है? होमो सेपियंस, आपको पता होगा होमो सेपियंस। यहां पर होमो क्या होता है? होमो प्रदर्शित किसको करता है? यहां पर होमो प्रदर्शित करता है एक वंश को, और जो सेपियंस है वो एक जाति को प्रदर्शित करता है। होमो प्रदर्शित करता है वंश को और सेपियंस प्रदर्शित करता है एक जाति को। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। तो चलिए इस प्रकार हम मनुष्य के अलावा आपको मेंढक का, बिल्ली का, कुत्ते का और आम का, जितने भी प्रमुख जानवर हैं या फिर फल हैं, उनके सभी के वैज्ञानिक नाम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने एक कॉलम बना लिया है जनरल नेम का, जिस नाम से हम उन्हें जानते हैं उन जीवों को, और फिर मैंने एक कॉलम बना लिया है यहां पर साइंटिफिक नेम का, जिस उनका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉग, आपको पता होगा फ्रॉग मतलब होता है मेंढक, हम इसको किस नाम से जानते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसे मेंढक, इसे किस नाम से जानते हैं? फ्रॉग नाम से। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों RANA टिग्रीना, RANA राना टिग्रीना, क्या बोलते हैं हम इसको वैज्ञानिक भाषा में? राना टिग्रीना। किसको? फ्रॉग को, जो कि मेंढक होता है। चलिए नेक्स्ट जीव देखते हैं हम, नेक्स्ट जानवर है सिएटिक कैट, कैट मतलब होता है बिल्ली, बिल्ली को हम किस नाम से जानते हैं? जनरल भाषा में बिल्ली जानते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? वैज्ञानिक नाम होता है इसका फेलिस डोमेस्टिका, क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में पूछा जाता है। तीसरा जो जानवर है वो है डॉग, डॉग मतलब होता है कुत्ता, इसको हम वैज्ञानिक भाषा में किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं हम कैनिस फैमिलियरिस, किससे नाम से जानते हैं? कैनिस फैमिलियरिस से। चौथा हमारा जानवर है काऊ, काऊ मतलब गाय, देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसको हम जानते हैं बॉस इंडिकस, किस नाम से जानते हैं? बॉस इंडिकस नाम से। जो हमारा नेक्स्ट है वह हनी बी, हनी बी मतलब होता है मधुमक्खी, अब मधुमक्खी को हम किस नाम से जानते हैं? मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एपिस मेलिफेरा, मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है?
एपिस मेलिफेरा। चलिए तो नेक्स्ट जीवों के नाम देखते हैं हम। चलिए दोस्तों अगला जीव देखते हैं, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मतलब जो घरों में पाई जाने वाली मक्खी होती है उसको हम क्या बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में, घरों में जो मक्खियां पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाउस फ्लाई। लेकिन उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों, उसका वैज्ञानिक नाम होता है मुस्का डोमेस्टिका। क्या होता है, मुस्का डोमेस्टिका। चलिए अगला देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो पसंद आ रहा तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक लाइक कर दीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको क्या होगा कि आप अगर हमको सपोर्ट करते हैं, अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं, हम आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इस तरह के डेली वीडियो लाएं, तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर। चलिए दोस्तों अगला हमको यहां पर दे रखा है मैंगो। मैंगो एक फल होता है, इसे हम आम बोलते हैं हिंदी में। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसका नाम वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है हमारे पास राइस। राइस को बोलते हैं हम हिंदी में चावल। अब चावल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओरियाजा सेटिवा, ओरियाजा सेटिवा। नेक्स्ट है हमारे पास वीट। वीट को क्या बोलते हैं हम, गेहूं। अब गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट है हमारे पास पीएपी, पीम होता है मटर। देखिए मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पिसम सैटिवम, पिसम सैटिवम। मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पिसम सैटिवम। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम, जी आर एम ग्राम। ग्राम को क्या बोलते हैं हम, चना। देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, साइसर एरिटनम, साइसर एरिटनम। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा मस्टर्ड। मस्टर्ड को क्या बोलते हैं हम, सरसों। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बेसिका कंपेस्ट्रिक्स, बेसिका कंपेस्ट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ओपियम। ओपियम होता है अफीम। किसको बोलते हैं, ओपियम अफीम को। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पापावीर सोमिनीफेरम, पापावीर सोमिनीफेरम। तो दोस्तों आज मैंने आपको सभी फलों को, जो भी इंपॉर्टेंट फल हैं या फिर जीव है, उनके सभी के वैज्ञानिक नाम बताए हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपसे वीडियो के आखिरी में एक प्रश्न पूछूंगा, तो आज का हमारा प्रश्न है मनुष्य का। आपको बताना है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिन भी स्टूडेंट्स ने पूरा वीडियो आसान पूरा देखा होगा उनको पता होगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। नए स्टूडेंट सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।